तो आप सभी को बताना चाहता हूँ, देखिए छत्तीसगढ़ में नई सरकार आ चुका है। पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन भर्तियाँ तो होंगी ही। और 25,000 पदों पर जो है, आप लोगों को बताना चाहता हूँ नई भर्ती परीक्षा के बारे में, जिसमें अगर हम बात करें तो शिक्षक भर्ती हो गए, सहायक शिक्षक के हो गए और व्याख्याता के। इन सभी भर्ती परीक्षाओं को मिलाकर कुल टोटल जो है 12,500 पदों पर भर्ती होगा। इसके अलावा जो है प्रधान अध्यापक का पोस्ट हो गया, सहायक प्राध्यापक का पोस्ट हो गया, इसमें 1,800 पदों पर भर्ती होगा। इसके अलावा डॉक्टर के हो गए, पैरामेडिकल स्टाफ के हो गए, 3,500 पदों पर भर्ती होगा। इसके साथ होमगार्ड के जो है 1,600 पदों पर, पुलिस सब इंस्पेक्टर के 1,000 पदों पर, आयुष विभाग के जो है 1,431 पदों पर जो है आम सभी स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी भर्ती, सीधी भर्ती आपके लिए होने वाला है। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको तैयारी करना है इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए, जितना ज़्यादा हो सके इन सभी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आपको प्रिपरेशंस करना है, स्टडी करना है, हार्डवर्क करना है। और जितना ज़्यादा आप काम करोगे उतने ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। और 25,000 पदों पर जो नई भर्ती होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। तो जितना ज़्यादा आप काम करोगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा आप कोशिश करोगे, उतने ही ज़्यादा आप आगे बढ़ पाओगे, उतने ही ज़्यादा आपको सफलता और उतने ही ज़्यादा आपको कामयाबी और उतने ही ज़्यादा सक्सेस और उतने ही ज़्यादा प्रसिद्धि और उतने ही ज़्यादा सफलता और सक्सेस आपको फिर मिल पाएगा। तो ये छत्तीसगढ़ में जो है आने वाली आप लोगों के लिए सबसे बड़ी भर्ती है, आने वाली आप लोगों के लिए सबसे बड़ी अपकमिंग वैकेंसीज हैं। इसलिए तैयारी आज से शुरू करो, आज से शुरू करोगे तैयारी तो तुम्हें आने वाले कल में जो है रिजल्ट मिलेगा। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो सिर्फ अपने फ्यूचर्स के बारे में सोचते हैं। देखो, फ्यूचर्स के बारे में सोचने से फ्यूचर्स नहीं बनने वाले, प्रेजेंट के बारे में सोचो तब तुम्हारे फ्यूचर बनेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू सो मच। कोई डाउट्स हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।